सो हे नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करने वाले 35,000 रुपये में रहकर एक फुल्ली सेटअप बिल्ड। तो हाँ यार, यहाँ पर हम जो कि सिर्फ सीपीयू ही बिल्ड नहीं करने वाले, तो यहाँ पर हम पूरा सेटअप बिल्ड करने वाले हैं। ये जो कि 35,000 रुपये में हम जो कि सैमसंग की तरफ से आने वाला कर्व मॉनिटर भी इंक्लूड करने वाले हैं, साथ ही साथ पीसी बिल्ड भी करेंगे, साथ ही साथ जो कि कीबोर्ड एक्सेसरीज जो कि जितने भी रहते हैं जहाँ पर हम देखते हैं माउस वगैरह, तो माउस पैड वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो कि हम इंक्लूड करने वाले हैं। और बहुत सारी वीडियो में आपने ये देखा रहेगा कि यार क्या होता है, पैसे बचाने के चक्कर में आपको जो भी ब्रांडेड चीज़ें नहीं रहते उसे रिकमेंड कर आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बचा तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने के लिए नहीं मिलते। इसी वजह से इस जो कि वीडियो में जितने भी जो कि पार्ट्स इंक्लूड करने वाला वो अच्छे खासे जो कि ब्रांड के जो कि इस जो कि मार्केट में पीसी मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं उनके ही जो कि पार्ट में यूज करने वाला, और जो कि 35,000 रुपये में रहकर एक आपको अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस वाला एक जो कि पीसी बिल्ड यहाँ पर से कर आपको सजेस्ट करने वाला हो। और यहाँ पर मैंने ये भी बात का ध्यान रखा है कि जो कि पीसी बिल्ड हो तो उसमें आपको लुकिंग भी अच्छी मिले ताकि आपको ओवरऑल एक अच्छी फीलिंग आ सके। तो यहाँ पर जो कि पीसी बिल्ड में लुकिंग भी मैं आपको अच्छी खासी देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो ये पीसी बिल्ड आप ही के लिए बना है, अगर आप 35,000 रुपये में रहकर एक फुल्ली सेटअप बिल्ड करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए यार बिना कोई बकवास करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं इंडियन स्मार्ट गेमर चैनल, रहिए हमेशा स्मार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस जो कि पीसी बिल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है प्रोसेसर। तो यहाँ पर हमने कोई भी ना चिप क्वालिटी का यहाँ पर कोई भी हमने जो कि ओल्ड वाला प्रोसेसर यूज़ नहीं करने वाले। यहाँ पर हम राइजन 3 का जो कि थर्ड जनरेशन आ रही है उसका ही प्रोसेसर हम जो कि यूज़ करने वाले, यानी कि राइजन 3 3200G यहाँ पर जो कि हमने प्रोसेसर यूज़ किया है, जहाँ पर हमें जो कि वेगा 8 के ग्राफिक्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ ही साथ 4 कोर और 4 थ्रेड का यहाँ पर सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। इसकी एक अच्छी बात है कि ये जो कि अनलॉक जो कि हमें बॉस के साथ ही देखने के लिए मिलता है, तो हम इजीली इसे जो कि ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। और ये जो कि प्रोसेसर है मैं मानता हूँ इस जो कि प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। इसकी जो कि प्राइस चल रही है अभी जो कि मार्केट में वो मिलती है आपको 8,400 रुपये में, तो आप इसे जो कि ईजिली अमेजोन से बाय कर सकते हैं। इसकी जो कि बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो सके। चलिए अब बात करते हैं हमारे जो कि दूसरे कंपोनेंट के बारे में जो है इस प्रोसेसर जिस पे लगेगा, यानी कि मदरबोर्ड पर। तो मदरबोर्ड के बारे में हमने यहाँ पर से जो कि चूज़ किया वो है MSI तरह से B450M Pro, ये जो कि मदरबोर्ड हमने यहाँ पर से जो कि निकाल कर लिया है। इस जो कि प्रोसेसर साथ में ये जो कि मदरबोर्ड काफ़ी अच्छी तरह से कंप्लीट भी अच्छा रहता है, वो साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। ये जो कि मदरबोर्ड है अभी जो कि हमें ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में देखने के लिए मिलता है 5,500 रुपये में। और ये जो कि 5,500 रुपये में जितने भी जो कि हमें ऑफर करता है जो कि पोर्ट्स हो चुका है जो कि परफॉर्मेंस हो चुकी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो कि देखने के लिए मिल जाती है। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर जाकर आप इसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे जो कि अगले जो कि कॉम्पोनेंट के बारे में जो है रैम। और रैम यहाँ पर से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप AMD के जो कि राइजन का प्रोसेसर है वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो कि हायर फ्रिक्वेंसी वाली रैम ही लेनी चाहिए ताकि आपको और भी परफॉर्मेंस अच्छी मिले। तो यहाँ पर हमने जो कि रैम इंक्लूड किया वो मिलती है हमें XPG की तरफ से 8GB की है। हमने जो कि स्टिक यहाँ पर से जो कि बाय कर लिए और इसकी जो कि फ्रिक्वेंसी हमें देखने के लिए मिलते हैं 3000 MHz की। तो यहाँ पर हमें जो कि परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी अच्छी लेवल की देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि राइजन के जितने भी जो प्रोसेसर आते हैं वो इक्वली करते हैं कि हमें जो कि हायर फ्रिक्वेंसी वाली रैम मिले ताकि आपको और भी अच्छे तरह से जो कि परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सके। चलिए अब बात करें हमें जो कि अगले कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है PSU। और यहाँ पर हमने जो कि अच्छे खासे कंपनी का PSU यहाँ पर से रखे आपके लिए रिकमेंड करने वाले जो कि कोर्सर की तरफ से आते हैं 450 वैट का। और ये मैं मानता हूँ इस जो कि पीसी बिल्ड के हिसाब से मोर देन इनफ है, यहाँ पर हमें सारे जो कि इसमें पोर्ट्स वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये हमें देखने के लिए मिलता है 2,300 रुपये के आसपास जो कि अमेजोन पर, तो इसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर बात करते हैं SSD हार्ड डिस्क और जो कि कैबिनेट के बारे में, तो यहाँ पर जो कि कैबिनेट हमने जो कि यूज़ किया है वो है अंट की तरफ से हमें देखने के लिए मिल जाता है। और जो कि सामने की तरफ से हम देखेंगे तो एक 2 RGB स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे आप जो कि इस पीसी को ऑन करेंगे तो ये RGB अच्छी तरह से ग्लो होती रहेगी और आपको अच्छा खासा लुक भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ कैबिनेट देखेंगे तो यहाँ पर हमें टेम्पर ग्रास ऑफर करते हैं इस जो कि प्राइस सेगमेंट में रहकर, तो मैं मानूंगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, तो 2,800 रुपये के जो प्राइस सेगमेंट में देखने के लिए मिलता है, तो उस हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा लुक है जो कि प्रोवाइड
प्रोड्यूस करके देता है। रही बात एसएसडी और हार्ड डिस्क से, तो हार्ड डिस्क हमने यहाँ पर से लिए 1 TB के हार्ड ड्राइव जो कि हमें आराम से देखने के लिए मिल जाती है मार्केट में। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एसएसडी भी इंक्लूड किया है ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सके। जो भी हमारी गेम्स वगैरह वो हम जो कि हार्ड डिस्क में ना रखते हुए हम जो कि एसएसडी में रखेंगे ताकि आपको और भी परफॉर्मेंस में जम देखने के लिए मिल सके। तो चलिए अब जो कि इस जो कि कंपोनेंट की अगर प्राइस देखेंगे तो आपको लगभग 24,000 रुपये के आसपास जो कि सारे जो कि कंपोनेंट की प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इसे अमेजोन से बाय करेंगे तो यहाँ पर आप जो कि बैंक ऑफर लगाकर और भी डिस्काउंट यहाँ पर से जो कि पा सकते हैं। तो इन सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे जो कि एक्सेसरीज के बारे में। अगर बात करते हैं मॉनिटर के बारे में तो यहाँ पर से जो कि हमने मॉनिटर लिया है वो सैमसंग की तरफ से आने वाला कर्व मॉनिटर यहाँ पर से हमने जो कि बाय कर लिया। इसके जो कि डिस्प्ले की साइज देखेंगे तो 23.5 इंचेस का देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर जो कि रेजोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है वो फुल HD का देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर अगर तो रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 Hz का यहाँ पर जो कि रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है जो कि मोर देन इनफ है। अगर बात करते इसके पैनल के तो ये हमें जो कि इस प्राइस सेगमेंट में VA पैनल जो कि हमें ऑफर करता है। तो यहाँ पर आपको नो डाउट आपके सारे जो कि टास्क वगैरह अच्छी तरह से जो कि कंप्लीटली कर पाएगा। ओवरऑल अगर आप मूवी करते देखते इस जो कि पैनल पर और साथ ही साथ इसमें अगर गेमिंग वगैरह करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये जब भी मार्केट में आया था तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़कर यहाँ पर से दिखाई गई थी, लेकिन अभी जो कि ऑफर में चल रहा है और ये अभी ऑफर में ही रहेगा क्योंकि इसे आकर आप काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो ये हमें जो कि अभी मार्केट में देखने के लिए मिलता है 8,300 रुपये का। तो मैं मानता हूँ इस जो कि प्राइस सेगमेंट में इससे ज़्यादा अच्छा मॉनिटर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं और सारे जो कि एक्सेसरीज के बारे में। अगर बात करते हैं हम जो कि माउस कीबोर्ड माउस पैड और जो कि हेडफोन के बारे में तो यहाँ पर जो कि मैंने रेडगर की तरफ से आने वाले जो कि मांटा काम्बो देखने के लिए मिलता है जो कि आपको कुछ 2100 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। तो ये मैंने बाय कर लिया है और यहाँ पर हमें डिसेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। जो कि कीबोर्ड है वो हमें पूरे मेटल के देखने के लिए मिल जाता है। वो जो कि कीबोर्ड का जो कि नंबरिंग है वो हमें रबर के देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 2100 रुपये के हिसाब से यहाँ पर हमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर यहाँ पर से इस जो कि सारे प्राइस को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये लगभग 35,000 रुपये के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप इसे जो कि अमेजोन जैसे जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट से बाय करते हो तो वहाँ पर हम जो कि ऑफर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर नीचे दिए गए लिंक से अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफर्स भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती रहेगी। तो इस जो कि पीसी बिल्ड में हमने काफ़ी अच्छे अच्छे कंपोनेंट वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रांड के यहाँ पर से जो कि इंक्लूड किए तो यहाँ पर हमें जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ लुकिंग भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने कोई भी ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड नहीं किया और इस प्राइस सेगमेंट में रहकर फुल्ली सेटअप बिल्ड के साथ में आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड मैं मानता हूँ इस जो कि प्राइस सेगमेंट में अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप इसे पहले यूज कीजिए आपको परफॉर्मेंस है गेमिंग है वीडियो एडिटिंग है वो आपको अच्छी खासी हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि गेमिंग के मामले में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिल रही है तो बाद में आप यहाँ पर से जो कि अच्छा खासा एक जो कि 15 या फिर 16,000 रुपये का ग्राफिक्स कार्ड बाय करके इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस वो आपके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। तो इस वीडियो के साथ इतना ही। ये वीडियो बनाने के सिर्फ मकसद मेरा एक ही था कि काफ़ी सारे लोग एक जो कि 35,000 रुपये में रहकर फुल्ली सेटअप बिल्ड करना चाहते थे तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि यहाँ पर पीसी बिल्डिंग और जो कि पीसी रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करते रहे। तो चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।